Hey guys, welcome to Gadget Zone, जहां मैं आपके लिए लाता हूं लाइफ को आसान और बोरिंग एक्टिविटीज को मजेदार बना देने वाले एक्साइटिंग गैजेट्स। और एक्साइटिंग से याद आया, आज की वीडियो होने वाली है फिजेट गैजेट्स स्पेशल, यानी ये सारे फिजेट गैजेट्स एक से बढ़कर एक हैं और आराम से आपके बजट में भी आ जाएंगे। इन्हें परचेज करने की लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम गैजेट नंबर 1। एंड शुरुआत होगी थिंक इंक पेन से। देखने में किसी भी नॉर्मल पेन जैसा लगने वाला ये पेन एक सीक्रेट फिजेट पेन है। इसे अगर आप अपने साथ स्कूल या कॉलेज ले गए तो इस बात की तो गारंटी है कि कभी बोर तो होगे ही नहीं आप, क्योंकि इसमें करने के लिए एक से एक मजेदार फिजेट एक्टिविटीज हैं। इसमें लगे स्फीयर को रोटेट कर सकते हो आप, इस पेन को स्पिन कर सकते हो, इवन ये पेन अपने आप में फ्लेक्सिबल होता है, तो इसे आप ऐसे तोड़ मोड़ के फ्लेक्स भी कर सकते हो। मतलब सीरियसली दोस्तों, इसे यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आप जॉब करते हो तो ऑफिस में इसे ले जा सकते हो अपने साथ, एंड फ्री टाइम में इसकी इन फन एक्टिविटीज को करके खुद को रख सकते हो स्ट्रेस फ्री एज वेल एज एंटरटेन। वैसे मैंने फिजेट गैजेट्स बोला था तो आप क्या सोचे थे कि नॉर्मल वही फिजेट स्पिनर्स दिखाऊंगा? अरे नहीं यार, अभी तो रुको, बहुत सारे ऐसे ही फिजेट गैजेट्स हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसा ही एक और दिमाग हिला देने वाला गैजेट है मैस्टा बॉक्स। और ये छोटा सा क्यूब शेप्ड बॉक्स शायद दुनिया का अकेला ऐसा गैजेट है जो आपको फिजेटिंग के सबसे ज्यादा ऑप्शंस दे देता है। जैसे कि इसमें एक ट्रैक बॉल होती है जिसे आप अपने थंब से कंट्रोल कर सकते हो, एक जॉयस्टिक भी होती है जिसे आप अगेन थंब से यूं घुमा सकते हो। इट ऑल्सो फीचर्स अ लेजर पॉइंटर जिसे आप अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज कर सकते हो। एक फेस पर तो काफी सारी बटन्स रहती हैं, मतलब इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, तो हर एक फेस पर फिजेटिंग का कोई ना कोई ऑप्शन तो दिया ही गया है। और मजेदार बात पता क्या है, इसे आप अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके एज अ रिमोट भी यूज कर सकते हो। लाइक लैपटॉप में आप ब्राउजिंग कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो तो बिना कीबोर्ड टच किए डायरेक्ट मैस्टा बॉक्स से आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। मतलब एक फिजेट गैजेट होने के साथ साथ ये एक लैपटॉप के काफी सारे फंक्शंस भी कर देता है। दी बॉबलर। इस गैजेट को दिखाने से पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि इसे एक बार यूज करना शुरू करोगे तो आप घंटों तक इसी में लगे रहोगे, इतना एडिक्टिव है ये। ये है बॉबलर। लोगों को मैग्नेट से इंटरैक्ट करना हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो बॉबलर में आप अलग अलग मैग्नेटिक पार्ट्स को ऐसे जोड़कर या हटाकर नए नए तरह के कूल फिजेट गैजेट्स खुद से तैयार कर सकते हो। इसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक कॉइंस एंड मैग्नेटिक स्फीयर्स होते हैं जिन्हें आप जितने भी अलग अलग वेज में अरेंज करके लगाओगे उतने ही अलग अलग वेज में ये स्फीयर्स स्पिन करेंगे। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल था दोस्तों, अपनी वर्क डेस्क या स्टडी टेबल पर रखने के लिए ये बहुत सही है, लेकिन फिर से कहूंगा कि पढ़ते पढ़ते आप इसमें लग गए तो फिर इसी में लगे रहोगे, तो ये डिसीजन आप खुद लो कि इसे कहां रखोगे आप। केवल ये स्फीयर और इसका एक मैग्नेटिक बेस भी ले सकते हो आप। कुल मिलाकर यार, इस गैजेट की मैग्नेटिक क्वालिटीज इसे दूसरे फिजेट गैजेट से काफी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देती हैं। वहीं ये फिजेट स्पिनर आपको देखने में एक नॉर्मल सा स्पिनर लग रहा होगा, बट नॉर्मल का एन भी नहीं है ये लाइट अप फिजेट स्पिनर है गाइस, यानी इसमें हर एक विंग में लाइट्स लगी रहती हैं। उन लाइट्स को ऑन करो एंड फिर इसे स्पिन करोगे जब आप, तो लाइट्स के चलते एक कूल सा दिखने वाला सर्कुलर पैटर्न क्रिएट हो जाएगा इसकी स्पिनिंग से। ये इफेक्ट अंधेरे में देखने में और भी ऑसम लगता है। तो अगर आप फिजेट स्पिनर लेने वाले हो तो नॉर्मल से अच्छा तो ये क्रिएटिव स्पिनर रहेगा जिसे आप लाइट अप कर सकते हो। रेव पेन। अब देख लेते हैं एक और पेन जिसे स्पिन किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है एक फिजेट गैजेट की तरह। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने हाथों को बिजी रखने के लिए फिजेट स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट घर तक तो ठीक है, बट ऑफिस वगैरह में यार स्पिनर नचाओगे तो गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे स्पिन करके आप अपने हैंड्स को रख सको बिजी एंड खुद को रख सको रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री, और काम पर भी फोकस कर पाओ। तो रेव पेन ठीक ऐसा ही गैजेट है। इसे आप ऑफिस, कॉफी शॉप, कॉलेज, मतलब लिटरली कहीं भी ले जा सकते हो, एंड किसी को क्या पता कि ये एक स्पिनिंग पेन है। जब काम हो तो इसे यूज कर लो एज अ नॉर्मल पेन, और फिर जब भी मर्जी करे इसे स्पिन भी कर सकते हो आप एक फिजेट स्पिनर की तरह, यानी एक 2-in-1 गैजेट कह सकते हो इसे आप। ओनो रोलर जूनियर। अब दोस्तों, ये वाला गैजेट ना ही स्पिन करेगा ना ही इसे आप फ्लेक्स कर पाओगे, लेकिन ये अपने ही एक यूनिक वे में आपको पूरी तरह से रिलैक्स एंड टेंशन फ्री रखेगा एंड हाथों को रखेगा बिजी। ओनो रोलर जूनियर एक कॉम्पैक्ट साइज्ड रोलर है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, एंड भले ही सुनने और देखने में ये बहुत सिंपल एंड बेसिक सा लगे, बट एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है यूज करते टाइम। इसे जब आप हाथ में लेकर रोल करोगे तो रुकने का तो मन ही नहीं करेगा, लगेगा ऐसे रोल करते जाओ। रोलिंग इसकी बहुत ही स्मूथ होती है एंड अभी आवाज नहीं आती है इसे रोल करते टाइम, क्योंकि इसमें साइलेंट बियरिंग्स जो होती हैं, और क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट है, इतना छोटा है, तो इसे आप अपनी पॉकेट में रखकर इजीली कैरी कर सकते हो अपने साथ। स्पिनैक्स 4-in-1। बचपन में ही, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब कुछ टाइम पहले तक यो-यो बहुत चला करते थे। आपको भी याद होगा, इवन आप में से बहुत से लोगों ने यो-यो यूज भी किए होंगे, मैंने तो खैर इस्तेमाल नहीं किए थे। तो स्पिनैक्स ना सिर्फ एक फिजेट गैजेट है, ना सिर्फ एक यो-यो है, बल्कि टोटल 4 फीचर्स के साथ आता है ये। एक यो-यो, एक विजेट स्पिनर, एक स्पिन टॉप और एक
जायरोस्कोप। एंड पर्सनली मुझे इसका फोर्थ फीचर यानी कि जायरोस्कोप सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा एंड इंटरेस्टिंग लगा कह सकते हैं, जिसमें ये एक पॉइंट पर काफी ज्यादा झुककर स्पिन करता है बट स्टिल गिरता नहीं है। वैसे अगर आपको यो-यो यूज करना आता होगा एंड पुरानी वाली कुछ ट्रिक्स वगैरह याद होंगी यो-यो की, तो वो ट्रिक्स भी आप इसमें कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दूसरे फिजेट गैजेट्स जहां एक या दो ऑप्शंस देते हैं फिजेटिंग के, इसमें आपको पूरे चार फीचर्स मिल जाते हैं। फिजेट गैजेट वैसे तो टाइम पास और मौज मारने के लिए होते हैं, लेकिन ये वाला फिजेट गैजेट काफी यूजफुल भी है। ये फिजेट ब्लॉक्स हैं जिन्हें आपस में ऐसे जोड़कर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स तैयार कर सकते हो आप, एंड उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए इवन यूज भी कर सकते हो। लाइक इन्हें जोड़कर आप एक फोन स्टैंड तैयार कर सकते हो, उसमें फोन को रखकर उस पर वीडियोज वगैरह देख सकते हो, एक फोटो स्टैंड भी बना सकते हो इससे। एंड ये तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स थे, काफी सारी एक्साइटिंग चीजें बनाई जा सकती हैं इससे। इन ब्लॉक्स को जोड़ना एंड सेपरेट करना बहुत इजी होता है एंड एक तरह से काफी सेटिस्फाइंग भी होता है। एंड ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि इनसे आप क्या क्या कूल चीजें तैयार कर पाओगे। तो आप इनसे क्या बनाना पसंद करोगे वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। इंडेक्स, अगर आपको अलग अलग तरह के मैग्नेट से इंटरैक्ट करना पसंद है तो ये गैजेट हो सकता है आपका फेवरेट बन जाए। मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके दुनिया में काफी कमाल के इन्वेंशंस पहले ही किए जा चुके हैं और उन्हीं में से एक है इंडेक्स, एक ब्यूटीफुल लुकिंग मैग्नेटिक फिजेट टॉय। और ये बहुत ही ज्यादा स्लीक एंड मिनिमलिस्टिक होता है। फिजेटिंग के 50 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे इसमें, बल्कि सिर्फ एक ही तरह से इसमें आप फिजेटिंग कर पाओगे। लेकिन सुनो तो यार, वो एक वे ही इनफ है आपको रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड रखने के लिए। एक हाथ में लेकर इसे आप रोटेट कर सकते हो। इसमें पावरफुल इंटरनल नियोडाइमियम मैग्नेट्स लगे होते हैं जिनके चलते रोटेट करते टाइम इसमें से आपको एक सेटिस्फाइंग क्लिकिंग सेंसेशन मिल जाएगा, और इसीलिए ये भी बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। तो इसकी मदद से आप फोकस्ड भी रहोगे एंड अगर आप किसी टेंशन में हो तो इसे इस्तेमाल करके आप खुद को रिलैक्स्ड भी रख सकते हो गाइस। एंड गाइस, अब नजर डाल लेते हैं आज के आखिरी कूल फिजेट टॉय पर, जिसका की नाम है रोल स्पिन 2.0। इसके नाम में ही दो वर्ड्स हैं, रोल और स्पिन, एंड इसी से समझ जाओ यार कि ये रोल करने के साथ साथ स्पिन भी कर सकता है। काफी हाई स्पीड में स्पिन करते हुए ये अच्छा खासा स्पिनिंग टाइम भी प्रोवाइड कर देता है। एंड ऊपर की साइड इसमें मौजूद रोटेटिंग बॉल को आप थंब से ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, मतलब एक हाथ से अपना वर्क करते जाओ एंड एक में से लेकर यूज करते जाओ एंड अपना फोकस बनाए रखो। ऑब्वियसली गाइस, फिजेट गैजेट्स फोकस को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल रहते हैं एंड रोल स्पिन 2.0 का बैलेंस तो इतना गजब का है कि स्पिनिंग के टाइम इसे अगर आप हवा में उछाल भी दोगे तो ये जब गिरेगा तो भी स्पिन करता रहेगा, रुकेगा नहीं। एंड गाइस, अब आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को डाल दीजिए ऑल ऑप्शन पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। Oh, 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 o